श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी क्रैकर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट के भाग चल रहा है। अभी कल हमने आप लोगों को एक्सरसाइज 13 के बारे में बात किया था, आज एक्सरसाइज 14 के बारे में बात करेंगे, अर्थात उसी को आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ये क्या है क्या नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको देखने में लगता होगा कि क्या है, हमारे दिमाग पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप जब ग्रामर की बुक में जाएंगे, पार्ट ऑफ सेंटेंस के बुक खोलेंगे, उसी स्थान पर आपको ये मिलेंगे सब, जहाँ पर लिखा होगा सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं प्रेडिकेट के। लास्ट में लिखा है जहाँ किताब ख़त्म होती है, प्रोज पोएट्री लेकर के सप्लीमेंट्री एक में है, जहाँ पर ख़त्म होती है उसी के बगल में पेज खोलेंगे तो आपको ये सब दिखाई देगा। एक्सरसाइज किया हुआ भी, हल किया हुआ, न किया हो, सब कुछ आप देखेंगे। और दूसरी बात आपको मैं बताऊंगा कि जो शब्द क्वेश्चन दिया है उसको बच्चों समझना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि अगर हम प्रश्न को समझते हैं तो उत्तर आसानी दे लेते हैं, अगर हम प्रश्न को नहीं समझ पाते हैं तो उत्तर को भी समझ सही से नहीं दे पाते हैं, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, कैसा ऐसा फ्रेम करेक्ट सेंटेंस, फ्रेम FRME फ्रेम करेक्ट CORRECT करेक्ट सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग वर्ड्स का मतलब होता है नीचे दिए गए शब्दों को जो आगे पीछे हैं उनको हमको करेक्ट करके क्रम में लिखना है, गलत है नहीं करना। कहाँ पर नाउन है, कहाँ पर सब्जेक्ट है, कहाँ पर एडवर्ब है, कहाँ पर आइजली वर्ब लिखना है, उसी के माध्यम से हम चलेंगे आपको लेकर के। तो आप देखिए, माई टाट स्विमिंग मी फादर, तो आपको सर्वप्रथम हमको खोजना सब्जेक्ट क्या है, यहाँ चलेंगे माई फादर हो गया ना, वन टू माई फादर टाट मी स्विमिंग, ओके। देखिए शब्द दूर दूर थे, अलग अलग थे, हमने क्रम में रखा है, पहले हमने इसको कहा वन माई फादर टाट मी इंग्लिश, ओके, एक ठो हमारा करेक्ट हो गया। आगे पीछे जैसे हमने क्रम लिखा है उसी के आधार पर आपको भी लिखना है। दूसरा है टू इम्पॉसिबल लिव विदाउट इज वाटर, टू लिव टू लिव इज वाटर टू लिव इज विदाउट वाटर इम्पॉसिबल माने असंभव। इम्पॉसिबल में क्या होता है, इज इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल क्या होता है, असंभव, ठीक है। दूसरा है डू इन यू लिव मेरिट, इसका हो जाएगा डू यू लिव इन मीरुट लिखा है स्पेलिंग, ठीक बच्चों ध्यान देना, कभी कोई कहता मेरठ के अगर स्पेलिंग लिखने के लिए तो आप इसको लिखेंगे मीरुट रहेगा। ठीक है, चौथा है चिल्ड्रेन प्लेइंग आर स्कूल इन ए ट्री, चिल्ड्रेन सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रेन आर चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द शेड शेड ऑफ ट्री, बच्चे जो है एक वृक्ष की छाया में खेल रहे हैं। ठीक, आगे देखिए ऑनेस्टी द पॉलिसी बेस्ट इज, इसको भी क्रम में करना है बच्चों, द ऑनेस्टी द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, द ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक, फिर देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आगे है यू रेगुलरली योर डू शुड होम वर्क, इसका हो जाएगा यू शुड डू योर वर्क रेगुलरली, देखो लर्ली मतलब नियमित रूप से, कैसे नियमित रूप से, आपको जो है दो तीन लाइन और बचा है, ए बोर्ड गॉन हैज, ए बोर्ड गॉन हैज, ए बोर्ड गॉन हैज टीचर द टीचर द, हो जाए इसका द टीचर टीचर हैज गॉन अबोर्ड, ठीक है। ठीक, आठवां है माई केम टू हाउस माई केम टू हाउस यस्टरडे मिस्टर स्मिथ, यस्टरडे
ठीक ओके। देखिए पढ़ने से पहले बच्चों उसको कोई चीज़ लिखते हैं उसको समझना ही अत्युत्तम है। अब देखिए यस्टरडे है, यस्टरडे की बहुत से बच्चों को स्पीड अभी तक नहीं आती होगी, जो तेज है उनकी तो अलग बात है। यस्टरडे में क्या करना है, यस लिख दो, यस लिख दिए टर लिखो, टर हो गया फिर डे का अगली जोड़ दी इसमें। अब हो गया यहाँ से मिस्टर स्मिथ केम टू माय हाउस यस्टरडे, ओके okay?